हेयर केयर कैसे करें, बहुत सारे लोग कहेंगे ये कौन सी वीडियो है, तो हमें बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता है। तो हाँ पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और वो ही मेरी वीडियो इसको पूरा देखे जिनको बहुत सारी चीजें जाननी है। अब क्या है कि मैं कौन हूं, मैं सिमरनजीत सिंह ढिल्लों, पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, लक्स सैलून का हेड हूं, ऑनर कह सकते हैं आप। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं बेसिक हेयर केयर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने दो तीन चीजों का ध्यान क्या रखना है। सबसे चीज, ऑयलिंग के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, कौन सा ऑयल लगाएं और कब लगाएं और कैसे लगाएं, वो बताने वाला हूँ। शैम्पू कैसे करना है वो बताने वाला हूँ, और बहुत सारी चीजें और भी आने वाली हैं, तो आप जुड़े रहिए एंड तक मेरी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयलिंग की, ऑयलिंग कैसे करनी है, ऑयलिंग क्या करनी है। ऑयलिंग क्या होता है, देखिए आप कोई भी मार्केट से केमिकल वाला जो खुशबू वाला ऑयल नहीं लगाएंगे अपने बालों में, वो आपके हेयर को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, वो नहीं लगाना है। ओरिजिनल बादाम का तेल लीजिए, बहुत अच्छा है। नारियल तेल लीजिए, सबसे अच्छा है। उसके बाद ऑलिव ऑयल लीजिए, सबसे अच्छा है। ये तीन ऑयल आपने यूज करने हैं, इसके अलावा और कोई ऑयल यूज नहीं करना है, चाहे आप कितनी भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी सेलिब्रिटी से देख लें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑयल लगाना कब है। देखिए अगर आपको कल वॉश करना है तो आज रात को आपको ऑयल लगाना है अपने हेयर में, रात को लगा के उसके ऊपर आप कैप डाल लीजिए, टॉवल से रैप कर लीजिए, वो कर लीजिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो जैसे ही आपने वॉश करना है उससे 15 मिनट, जब 20 मिनट, जब आधा घंटा, जितना ज्यादा टाइम दे सके आप ऑयलिंग कीजिए, लगा के रखिए। उसके बाद आपने हेयर को वॉश करना है। जब सर्दियां हों तो तब हल्का सा ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है ठंड में, क्योंकि ऑयल को प्रॉपर, और ऑयल ये नहीं कि बालों में लगा के छोड़ देना है, स्कैल्प पे अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने मसाज करनी है अपने स्कैल्प पे, और इतनी भी ज्यादा नहीं करनी कि स्कैल्प ही आप उखड़ जाए आपकी, मतलब खुजली नहीं करनी आपने, इचिंग नहीं करनी अपनी स्कैल्प पे। ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है हमारे इंडियन हेयर पे। मॉर्निंग स्मूथनिंग कराते हो, 15 दिन के बाद ही आप ऑयलिंग करनी स्टार्ट कर सकते हो, आपके हेयर को कुछ नहीं होगा। हम यही रेकमेंड करते हैं, हम इंडियन हेयर के हिसाब से काम करते हैं, इंडियन हेयर के हिसाब से सारी बातें करते हैं हम। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडियन हेयर पे रिसर्च ही नहीं करती, वो तो फॉरेन हेयर पे रिसर्च करके वो सारा कुछ हमारे इंडिया में ला के देती, लेकिन हम रिसर्च करते हैं इंडियन हेयर्स पे। तो हम इंडियन हेयर्स के बारे में बात करें, हेयर के बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए क्लियर हो गया टॉपिक कि ऑयल कैसे करना है। अब वॉश कितनी बार करना चाहिए, देखिए गर्मियां हैं, गर्मियों में कम से कम 3 टाइम वॉश आपको करना जरूरी है, और जब भी बाहर जाए 2 या 3 ड्रॉप सीरम के लेके ऐसे करके अपने बालों में लगा लें, डस्ट सारी उस पे जो हेयर आपके नुकसान करेगी बालों को वो बच जाएंगे, सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी उससे प्रोटेक्शन होगी। कई बार आपने देखा होगा हमारा ये वाला हेयर ना जितना ये बहुत वीक हो जाता है, वीक का रीजन है कि इसमें सबसे ज्यादा डस्ट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, हम कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे ही करते हैं, मेहनत सारी यहाँ पे कर लेते हैं, रूट टचअप भी यहीं पे होता है। अगर हेयर कलर आपका आप करते हैं यहां से, हमारे हेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उसका रीजन ही ये है। तो आपने ऑयलिंग करनी है, वॉश 3 टाइम करना है। जब भी आप कोई भी शैम्पू यूज करें, कौन सा शैम्पू यूज करना उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, शैम्पू लेना है, शैम्पू में जितना शैम्पू है उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना पानी भी आप मिक्स कर सकते हैं। डायरेक्ट शैम्पू अपने बालों में नहीं लगाना, अच्छे से हेयर गिले करने हैं, पानी मिक्स करना है, अच्छे से जाग बनानी, अच्छे से शैम्पू कीजिए, 1 या 2 बार शैम्पू कीजिए, उसके बाद कंडीशनर लगाइए। कंडीशनर लेंथ यहां पे नहीं, यहां से नीचे नीचे हेयर पे लगा के इस तरीके से आपने इस तरीके से मसाज करनी है कंडीशनर की। करने के बाद आपने उसको कम से कम 15 मिनट छोड़ना है, 15 मिनट से जल्दी वॉश मत कीजिए, कंडीशनर का कोई फायदा नहीं है, मास्क या कंडीशनर जो भी आप यूज करते हैं 15 मिनट लगा के रखिए। उसके बाद आपने वॉश कर देना है, वॉश करने के बाद आपने शैम्पू नहीं यूज करना। कई लोग कहते पूछते हैं सवाल कि शैम्पू यूज करना, कंडीशनर के बाद शैम्पू यूज नहीं करते। गीले बालों में 2-3 ड्रॉप सीरम लगा लीजिए, गीले बाल कंघी करने आपकी मर्जी, सूख के करने मैं रेकमेंड करूंगा, गीले बाल लूज कॉम से आप कॉम करके छोड़ दें, खींचे नहीं उन बालों को, खींचेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बारीक कॉम नहीं यूज करना है। आप करते रहिए ड्राई होने तो नेचुरल, जब भी आप घर पे ड्रायर यूज करें तो डायरेक्ट हीट रूट्स पे नहीं पड़नी चाहिए। कई बार हम ऐसे करके ड्रायर यूज करते हैं, हीट डायरेक्ट हमारे रूट्स पे पड़ती है, हमारे रूट्स वीक हो जाते हैं। हीट बहुत कम यूज करनी है आपने, घर पे प्रेसिंग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप जब स्ट्रेट करते हैं ना हेयर, जैसे आप स्ट्रेटनिंग करने शुरू करते हैं कहीं पे स्लो हो जाते हैं कहीं पे फास्ट हो जाते हैं, तो आपके हेयर जहां पे आप स्लो हुए वहां पे वीक हो जाएंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे। जब प्रोफेशनल करते हैं तो वो एक ही स्पीड में पूरी लेके चलते हैं, इस तरीके से आपके हेयर को 90 डिग्री पे
किस तरीके से प्रेसिंग करनी है वो सारा एक प्रोफेशनल तरीका है। घर पे कोशिश मत कीजिए, कर तो सकते हैं आप, लेकिन प्रॉपर यूट्यूब वीडियोस देख के जहां आपको बहुत सारी ट्रेनिंग है वहां से आप सीख के कर सकते हैं। वॉश का क्लियर हो गया, डायरेक्ट हीट नहीं करनी है, ऑयलिंग कैसे करनी है वो क्लियर हो गया। वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि आप बोर हो जाओगे शायद, तो ये दो तीन चीजें आपने ये ध्यान। उसके बाद जब भी घर से बाहर जाएं, बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप एक कपड़ा ले लीजिए, उससे कवर करके हेयर को जाइए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उससे आपके हेयर खराब होने के चांसेस हैं। अगर आपको रूट टचअप करना है, कौन सी कंपनी का करें, लॉरियल का कास्टिंग सबसे अच्छा है। अगर आप प्रोफेशनल में नहीं जाते, और ये ऐसा कलर है कि आप प्रोफेशनल जो सैलून से अगर आपने रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कराई तब भी आप करा सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है। कई बार हम ट्यूब वाला कलर ले आते हैं, सैलून वाला कलर देख के, ट्यूब और डेवलपर, उसमें मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार स्कैल्प में इचिंग और स्कैल्प में रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से करना होता है। आज मैं वीडियो बहुत फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, आप अपने टाइम को बचा के रखें। ऐसी बहुत सारी और वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे और बहुत सारी और आएंगी, क्योंकि मैं तो फ्री हूँ आपके लिए, मैं तो कोई काम करता ही नहीं हूँ। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, क्योंकि YouTube मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं किया, अवेयरनेस के लिए किया स्टार्ट। पैसा कमाने के लिए मेरे पास 23 सैलून्स हैं, वहां पे आप बहुत सारा पैसा देके जाते हैं, हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। YouTube को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि ज्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सके। बहुत सारे फ्री ऑफर्स भी चलते हैं, अभी 15 अगस्त तक लक्स सैलून में हेयर कट फ्री चल रहा है, तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद।